दुर्ग में स्टेट बैंक के समीप बैंक से पैसा निकालकर अपनी दुपहिया की डिक्की में पैसा रखा व्यक्ति लूट का शिकार हो गया। जैसे ही पैसे निकालकर शख्स बैंक से बाहर आया, उसे अज्ञात युवकों द्वारा पीछे पैसा गिरे होने की बातें कही गई। पैसा उठाने जैसे ही प्रार्थी वापस लौटा, अज्ञात लोगों ने उसकी गाड़ी की डिक्की में रखे रुपयों को पार कर दिया। लूटी गई रकम 2,70,000 रुपए बताई गई है। बहरहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में लगी हुई है। मोहम्मद नफी, जो कि दुर्ग गंजपाड़ा का रहने वाला है, वो SBI बैंक मोहननगर में गया था। वहाँ पर दिन के 1:30 बजे जब वो 2.5 लाख रुपए चेक से निकाल कर बाहर निकला बैंक से, अपनी बाइक की डिक्की में डाला, तो दो लोगों ने आके उसको बताया कि उसके कुछ पैसे रास्ते में गिर गए हैं बैंक से निकलते समय। तो उसने पैसे को डिक्की में डाल के वो उन गिरे हुए पैसों को जब निकाल उठाने गया, तो इन संदिग्ध लोगों ने उसके बाइक की डिक्की से पैसा निकाल के रफू चक्कर हो गए। CCTV फुटेज देखने पर 4 लोगों की इसमें संदिग्ध की बात सामने आई। इसमें एक आदमी की पहचान तेलंगाना निवासी के रूप में हुई है, जो रायपुर में भी पिछले साल इसी मॉडस ऑपरेंडाई के साथ एक दिन में 3 मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो भी जेल से छूटने के बाद हो सकता है संभवतः उसके द्वारा दोबारा घटना की गई है। जनता से भी मैं आग्रह करता हूँ कि कभी भी संदिग्ध लोगों की बात में आके अपना बहुमूल्य चीज़ों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह उठाने के लिए ना जाए, इससे आपके सामान की चोरी हो सकती है। यदि हम सावधान रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है।